कट। ये लंबाई है 38 इंच, चेस्ट 29, कमर 24, हिप 30, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ तीरा 6 इंच, मुड्डा 6 इंच, लेकिन आप पतले हो तो आपका जो तीरा आएगा वो आएगा 10 और जो आपका मुड्डा आएगा वो आपका आएगा 12, वही, ठीक है। नाप मतलब ये पतले लड़की का है तो इसलिए ये एक लाइन में निकल जाएगा। एक लाइन मतलब जैसे ऐसे कपड़ा है ना इस तरह से, तो ये 1 मीटर 1.5 मीटर में बहुत ही आराम से कुर्ती निकल जाएगी। तो कपड़े की ऐसे लगाई तय, एक ही लाइन में तय लगाओगे आप, किनारी से किनारी मिलाई और फिर एक बार और तय लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले लंबाई निकालेंगे, लंबाई है 38 इंच और प्लस आपका 2 इंच मुंडे का, ठीक है। कुर्ती टाइप बनाओगे तो पत्ता ही मोड़ना है ना, तो आप इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। सबसे पहले आप इसको कट कर दीजिए, खुले भाग की तरफ निशान लगाओगे। अगर हेल्थी लेडी होती है तो आप कपड़े को जैसे कि 1 मीटर का डबल है, ठीक है, तो उसको ऐसे डबल तय लगाओगे, और अगर पतले हैं तो आप एक लाइन में तय लगाओगे। एक लाइन में समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो सबसे पहले आप लोगे तीरा 6 इंच का, यहाँ पर मुझे इसको खुले भाग की तरफ से निशान लगाओ, ब्लाउज को यहाँ पर आया 6 इंच, यहाँ से लिया चेस्ट का नाम 29 है, 29 तो 4 आपका आ गया, ठीक है, ये सवा सा और आधा इंच आपका प्लस, इस तरह से ये सवा, ये बीच का जो भी आपका है 29 है 27, उसको वही सेम कॉल करके लगाओ, लेते हैं ना इस तरह से, देखो 29 एक बार फोल्ड किया, फिर इसको एक बार फोल्ड किया, यहाँ से कमर 13 इंच पे, अब मैंने लिखा नहीं थोड़ा, ये है आप जहाँ से आप क्या खोलना चाहते हैं, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट ज़्यादा है तो 24 पे है, कम है 20, नॉर्मली 20 आता है, और हाइट बहुत ही कम है तो 18, ठीक है। तुमने क्या इसको कमर है 24 का 6 4 का 24 ऐसे आ गया, 6 आ गया ना 6 और आधा इंच प्लस, वही सेम तरीका है, फोल्ड करके देखोगे आप का इसी तरह से आप उसका नाप लोगे 30, तो ये 7.5 और आधा इंच प्लस। ये लाइन इसलिए ड्रॉ करोगे शुरू में आपको पता नहीं रहने का कि आपने क्या क्या ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद फिर आप चाहे ड्रॉ ना करें। यहाँ पर इसको इस तरह से 1.5 इंच ले लिया, यहाँ गोलाई करोगे आप, ये जो आपका नाप है इसमें इस तरह से आप इंच टेप रख के बिल्कुल सीधा, और ये आपका एक्स्ट्रा, ठीक है, बिना बुकरम का ही गला बनाओगे। यहाँ पर इस तरह से गले की जो चौड़ाई है ये आप इस तरह से रखोगे 3 इंच, क्योंकि लंबाई हमें कम रखनी है, जैसे बॉटनेक गले होते हैं कुछ इस तरह से भी बनाएंगे, तो इस तरह से छोटा ही गला, तो ये 5 इंच और ये इस तरह से, यहाँ पे ऐसे किया, इससे आपको पट्टी लगानी आ जाएगी। अब आप इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से ये इस तरह से कट हो गया, यहाँ पर ऐसे कट लगाओगे इससे आपको पता लग जाए कि किस तरह से यहाँ पर यहाँ कट लगेगा,
और ये नीचे मोड़ने का कट, गले में थोड़ा सा शेप आपने, जब हम इसको काटते हैं ना यहाँ से आपने लिया, ठीक है, कैची को बिल्कुल अंदर ऐसे जब भी गोलाई करो, इस तरह से आपका पहले कंधे जोड़ोगे उसके बाद ये पट्टी लगेगी, तो ये पट्टी कट होगी इसमें, ये आपका सूट कट गया। अब ये जो कपड़ा अब इसमें हमें लगा करना मतलब कट करनी है बाजू, इसी तरह से इसे कपड़े भी दो तरह लगाए, इस तरह से चार बाकी का कपड़ा बचा रही उन्होंने, तो कपड़े की जो चौड़ाई है जितनी चेस्ट है ना उसमें 4 + 1/2 इंच, तो 30 थी 29, तो ये 1/2 इंच प्लस, ठीक है, बाद हो गया बाजू की लंबाई, तो 12 आपको तैयार चाहिए, 2 इंच आपका मोड़ होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप 2 इंच लोगे, खुले भाग की तरफ से यहाँ पर आप 3.5 इंच लोगे, ठीक है, आपका मोड़ने का है 4.5 इंच, 1.5 इंच आप प्लस कर लो उसमें, पता है यहाँ पर जब फिटिंग करोगे वो आप इस तरह से 7.5 इंच तो आप इसमें 1/2 इंच कम, 7, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसको ऐसे सबसे पहले लंबाई कट करोगे, इसकी इसको बिल्कुल अलग कर दो, इसमें हम पूरे पट्टी कट कर लेंगे, यहाँ से तिरछा इस तरह से कैची भी आपकी सही है, ठीक है, ये कट जिससे पता लग जाए फिटिंग, ये मुड़ने का ये थोड़ा 1/2 इंच ऊपर कर लेने जाएगा, पहले नीचे से मोड़ोगे फिर साइड से फिटिंग लगाओगे, ठीक है, ये जो कपड़ा है इसमें आप रेब पट्टी कट करोगे, रेब पट्टी के लिए हमेशा तिरछा आप या तो इस तरह से ऐसे रख लो इसको, अब साइड से फिटिंग, अब ये एक पट्टी जोड़ते हुए इस तरह से एक साइड में, तो ये अपोजिट ऐसे एक का ऊपर एक यहाँ से लगेगा ऐसे ही सेम, ये यहाँ पर है क्योंकि इतना उल्टा सीधा है सेम ही है, अगर रहता है तो आप बाद में कटिंग भी कर सकते हैं, 10 पे ही लेंगे या 10.5 पे, ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो हल्का सा कट कर, आपका 10.5 आएगा, ठीक है, चलो मशीन रखो फटाफट, ये हम 10 लेंगे या 10.5 लेंगे ऐसी लंबाई, ये आप अपना नाप के देखो, वैसे आपका 10.5 है, 10.5 लो, प्लेटें हमेशा नाप के ही डालो, इंची टेप को कंधे पे रखो और फिर देखो कहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट आता है,